हेलो एवरीवन, आज हम बनाने वाले हैं आटे का हलवा। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक कटोरी आटा लिया है, एक कटोरी से थोड़ा सा कम घी लिया है, एक कटोरी शुगर लिया है। आप शुगर अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़े से काजू के पीसेस लिए हैं और मैंने यहाँ पे 1 गिलास पानी लिया है चीनी को उबालने के लिए। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ गैस पर एक पैन को बैठा दिया है और उसमें मैंने 1 गिलास पानी डाल दिया है। अब हम इसमें शुगर ऐड करेंगे और इसे उबाल लेंगे। यहाँ पे हम शुगर को अच्छे से उबाल लेंगे जब तक जो हमारा पानी है उसमें एक उबाल ना आ जाए। यहाँ पे हमें गैस का फ्लेम हाई रखूँगी। तो चलिए इसे उबाल लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पानी पे उबाल आ गए हैं और हमारा जो शुगर है वो अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम यहाँ पे गैस का जो फ्लेम है वो ऑफ कर देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने गैस पे कढ़ाई को बैठा दिया है और उसमें घी ऐड कर दिया है। हमारी जो घी है यहाँ पे गर्म हो गई है। अब हम इसमें हमारा जो काजू है उसे थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। अब यहाँ पे गैस का फ्लेम मीडियम रखें और इसे हल्का सा सुनहरा होने तक भून लें, फ्राई कर लें। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे जो काजू हैं हल्के से सुनहरे हो गए हैं। अब हम इसे तेल से निकाल लेंगे, हमारी जो घी है उससे निकाल लेंगे। अब मैं हमारा जो घी है उसमें मैं आटा ऐड करूंगी और उसे अच्छे से सुनहरे होने तक भून लूंगी मीडियम फ्लेम में। ये देखिए मैंने यहाँ पे आटा को ऐड कर दिया और इसे मीडियम फ्लेम पे गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से भून ले आप घी पे। ये आप देख सकते हैं हमारे जो आटे हैं घी में भून रहे हैं। आप देखिए अभी भी इसका कलर पूरी तरह से गोल्डन ब्राउन नहीं हुआ है। इसे हम थोड़ा सा और भून लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो आटा है वो घी में अच्छे तरह से भून गया है। अब हम इसमें हमारा जो शुगर का वाटर था उसे ऐड करेंगे। देखिए और इसे अच्छे से चला लेंगे। यहाँ पे मैं गैस का फ्लेम मीडियम ही रखूंगी। मैं काजू के पीसेस ऐड कर लिए, काजू के पीसेस ऐड कर लिए। आप देख सकते हैं हमारा जो आटे का हलवा है उसका कलर कितना अच्छा आया है। यहाँ पे देखिए ये बनके तैयार है। अब हम इसे एक प्लेट पे निकाल लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो आटा का हलवा है उसे मैंने एक प्लेट पे निकाल लिया है। देखिए ये दिखने में कितना अच्छा दिख रहा है। इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। घी और आटे की जो खुशबू होती है बहुत ही अच्छी आ रही है। आप इसे घर पे जरूर ट्राई करें और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।